चर्चा चल रही है, जिसका हम दुरुपयोग करते हैं वह हमें दोबारा प्राप्त नहीं होता। मैंने क्लास में एक चर्चा की थी, बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज जी हमारे बेटे की शादी नहीं हो रही है, दो चार दस तो रोज आ ही जाते हैं मेरे पास। तो एक तो मैंने कह दिया अच्छा हम तुम्हारे बेटियों की शादियां और कराना शुरू कर दें, फिर हमने घर ही क्यों छोड़ा? अगर हम तुम्हारे बच्चों की शादियां कराना शुरू करें तो कितना अच्छा लगेगा बताओ। महाराज जी आप सारे भारत में घूमते हैं, बहुत सारे लोग आपके मिलने जुलने वाले परिचित होते हैं, अगर इतना सा हेल्प कर दो, ये भी तो एक भैया व्यक्ति हो सकती है, आपका प्रवचन भैया व्यक्ति पे एक हफ्ते से चल रहा है, तो क्यों ना ये भी आप करना शुरू कर दें। बोलो कौन कौन तैयार है करवाने के लिए? महाराज सवैया बैठे सबके थे, बहुत सारे बैठे नहीं। साधु को यह कार्य नहीं करना चाहिए, मगर साधु कर्म सिद्धांत की बात को कह सकता है कि इनकी शादियां क्यों नहीं हो रही है। मैंने कहा था कि अगर आपके घर में कोई मेहमान आए और आप उसकी अगर उपेक्षा कर दें, उसका आदर सम्मान और उसका बहुमान न करें, उसकी इज्जत ना करें, तो फिर वो दोबारा तुम्हारे घर में आएगा? दमोई में क्या परंपरा है मुझे पता नहीं, अगर कोई धक्के भी मारे, गाली गलौज भी करे, थप्पड़ भी मारे, भूखा भी रखे, प्यासा भी रखे, उपेक्षित करें, नीचा दिखाने का प्रयास करें, टॉर्चर करें, गिल्टी फील कराए, उसके बाद भी तुम उसके घर में बार बार जाते हो क्या? सच्चे बोल, नहीं जाते। बस तो जिनने पूर्व जन्मों में अपनी श्रीमतियों को इस प्रकार से जलील किया है, नीचा दिखाया है, मारपीट की है, दारू पी करके उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, गाली गलौज की है, तो प्रकृति कैसे ऐसे पापी को अब दोबारा इसकी शादी नहीं होगी, इसे कन्या नहीं मिलेगी। और जिस कन्या की शादी नहीं हो रही है उसने यही सारी हरकतें अपने पूर्व पति के साथ की हैं, तो कर्म कहता है ऐसी पापिन को अब पति नहीं मिलेगा। अब शांत हो गए सबके उत्तर, अब कोई टेंशन नहीं, अब रहो अटेंशन और लो डिक्टेंशन। तो ये जो भी अभी पूज्य मुनि श्री ने भी जिज्ञासा में कहा कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं है कि बिना कर्म के उदय से आपको ना मिले। रामचंद्र जी की बात आई थी, कोई ना कोई कार्य किया होगा, ठीक है आचार्यों ने उसे लिपिबद्ध नहीं कर पाए, क्योंकि कितना लिखा जाए, पद्म पुराण के तीन भाग लिख दिए। इसलिए ये बिल्कुल सिद्धांत मानना कि जिनको कूलर की हवा मिल रही है और जिनको नहीं मिल रही है, तो पूर्व जन्म में उनने किसी को हवा दी होगी इसलिए उन्हें हवा मिल रही है, और जिनने नहीं दी होगी तो उन्हें पंखे की मिल रही है, उनने बिजना घुमा दिया होगा किसी के लिए, तो पंखा प्रकृति ने तुम्हें दे दिया, ये बिल्कुल फैक्ट मानना। और वह कभी कभी कोई कर्म नया भी बन जाता है, वैसे तो बहुताए पूर्व कर्म के उदय से ही अच्छा और बुरा मिलता है। जो तुम्हारे साथ अच्छा कर रहा है तो ये मत समझना उसका एहसान वो अहंकार में ना आ जाए कि इसलिए हमारा बहुत अच्छा, मैंने इसका अच्छा कर दिया। नहीं, थोड़ा सा इतिहास को हम पलट करके देखेंगे तो तुमने उसका अच्छा किया था इसलिए उसने तुम्हारा अच्छा कर दिया है, ये बिल्कुल फैक्ट है। ये गांठ बांध लेना, जो कुछ तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है तुमने वैसा बुरा किया था, और जो अच्छा हो रहा है वो अच्छा तुमने किया था। और धर्मराज प्यास, प्यास की बहुत वेदना सता रही है, बहुत जोरों से प्यास लगी है, और तुम्हें जाना हो तो तुम महाराज हम पी के आ गए, हम तो बैठ गए पी करके, अभी जब यहाँ से उठेंगे तो फिर कैंपर से पानी पिएंगे, फिर घर जाएंगे तो फिर पिएंगे, फिर लेटने के पहले पिएंगे, और सिराने और लंबी बोतल रख लेते हैं या एक मटका रख लेते हैं, जब नींद खुली तो डंका डाला और गड़गड़ गड़गड़ गड़ कर गए। और धर्मराज प्यास प्यास कर रहे हैं माँ कुंती,
अपने उस बेटे धर्मराज की वेदना को देख नहीं पा रही है। एक कल्पना करना कि काश तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ है और पानी का इतना अभाव हो गया है कि पानी एक एक बूंद पानी की कीमत 1000 रुपए है और तुम्हारा बेटा तड़प रहा है पानी के लिए, उस समय तुम्हारी मनोदशा क्या होगी, तुम्हारी मानसिकता में किस प्रकार की वातावरण बनेगा, कैसा भाव तुम्हारे अंदर बनेगा। मां कुंती एक सम्यक दृष्टि नारी थी, धर्मात्मा थी, राजा पांडु की धर्म पत्नी ही थी, एक छत्राणी थी। छत्राणी ने कितना संबल अपने अंदर बनाकर के रखा होगा और अपने साक्षात बेटे को किस प्रकार से संभाल करके रखी होगी। एक नारी को नारी से शिक्षा लेना चाहिए। हम बहुत जल्दी जरा सी प्यास लगती है और हम फट से पानी पी लेते हैं, और मैं कह रहा हूं कि जब भी तुम्हें प्यास लगे, अगर कर्मों की निर्जरा करना है, कर्म काटना है, तो उसी समय संकल्प करो कि 15 मिनट के बाद पीऊंगा, 15 मिनट के बाद पानी पीऊंगा। अब जो 15 मिनट का तुमने पानी का जो त्याग किया है दोस्तों, वो तुम्हारे जीवन में एक साथी से पुण्य का बंध कराएगा। वो तुम्हारे त्याग में, क्योंकि इच्छा निरोधा तपा, वो तप के अंतर्गत आ जाएगा। पूज्य उमा स्वामी महाराज ने अपने ग्रंथ राज में कहा, इच्छा निरोधा तपा, इच्छाओं का निरोध करना भी तप है, इच्छाओं का निरोध करना ही तप है। अब जो तुम्हें प्यास लगी थी उसको 15 मिनट में कोई मर नहीं जाएगा। अगर तुम 15 मिनट पानी त्याग कर दोगे तो कोई नहीं मरोगे, अगर कोई मरे तो हम अपने महाराज की पिछी के माध्यम से उस आदमी को जिंदा करवा देंगे, जिंदा करा देंगे। मगर ध्यान रखना, उसका पहले मेडिकल टेस्ट कराएंगे, क्या पता कोई परीक्षा लेने के लिए कि देखें इनके पीछे में कितनी ताकत है, और धीरे से एक सुसाइड है, कोई जहर की गोली खा ले और जीभ निकाल ले बाहर, तो उसका पहले मेडिकल टेस्ट होगा कि ये मरा कैसे। जब मैं 24 घंटे पानी नहीं पीता हूं, 24 घंटे में एक बार पानी पीता हूं, जब मैं नहीं मरा, जबकि जमाई जाएगी, जबकि 24 घंटे में एक बार पीने वाला नहीं मरा, तो 15 मिनट में मरने वाला क्यों मरा। मैथमेटिक्स यहां लगाया जाएगा, जरूर को या तो वो बीमार था, या तो उसने कोई छल किया है, कोई कपट किया है। ऐसे भी हम छोटे छोटे नियम लेकर के अपने जीवन में बहुत सारी कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। बंधुओं, भोजन की थाली परोसी गई और तुम्हारी मनपसंद चीज भी रख दी और तुम्हें कहा गया भाई साहब शुरू कीजिए, तुम संकल्प कर लो कि सबसे अच्छी चीज जो मुझे खाना है वो सबसे बाद में खाऊंगा। रसना इंद्री पर कंट्रोल हो गया, 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटे में जो तुम भोजन करोगे, आधा घंटे के लिए तुम्हारी मनपसंद चीज का त्याग हो गया, और वो आधा घंटे जो तुमने नहीं ग्रहण किया उसका कर्मों की निर्जरा उसके माध्यम से तुम्हारे जीवन में हो जाएगी। तुम्हें कोई बहुत अच्छा गीत संगीत अच्छा लगता है, तुम संकल्प कर लो कि ये गाना हम सुनेंगे तो रोज, मान लीजिए 11 बजे से कान में ईयरफोन लगा करके वो बिस्तर में पड़े रहते थे और छूम छना ना 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 चलता रहता था, आज संकल्प करेंगे कि आज हम 11:30 बजे कान में लगाएंगे और 11:35 पे निकाल के अलग कर देंगे, उस गाना को नहीं सुनेंगे। आधा घंटे का जो तुम त्याग किया वो तुम्हारी कर्ण इंद्रियों को मजबूत करेगा, तुम्हारे कानों को इतनी शक्ति देगा कि तुम्हारे कान के पर्दे कभी फटेंगे नहीं, तुम्हें बहरापन तुम्हारी जिंदगी में कभी आएगा नहीं। उसी प्रकार सुगंध दुर्गंध के बारे में विचार करें, उसी प्रकार देखने के बारे में विचार करें। जब इच्छा हो कि मुझे टीवी देखना है, जब इच्छा हो कि मुझे बीवी देखना है, उसी समय संकल्प करो कि आधा घंटे में किसी अपनी धर्म पत्नी से बात नहीं करूंगा, मैं टीवी नहीं देखूंगा। आधा घंटे जो तुमने अपनी आंखों का
जिनवाणी पढ़ने का संकल्प कर लिया या आंख बंद करके जिनेन भगवान की मुद्रा का एक अवलोकन मानसिक तरीके से करने लगे, वो आधा घंटे जो तुमने संसार की चीजों से विमुख हुए हो दोस्तों, वह तुम्हें कर्म निर्वचना का कारण बनेगा और तुम्हारी आंखों में चश्मा नहीं लगेगा, क्योंकि तुमने आधा घंटे प्रतिदिन धार्मिक क्रियाओं के लिए अपनी आंखों का सदुपयोग किया है। कितने घंटे हम आंखों से पाप की क्रियाएं करते हैं, एक एक इंद्रिय को किस प्रकार से हम बस में कर सकते हैं, इस स्पर्शन इंद्रिय को भी हम इसी प्रकार कर सकते हैं। तो ये जैनाचार्य इच्छा निरोधो तपा की बात करते हैं, और यही मां कुंथी ने धर्मराज के लिए संबोधन दिया कि बेटा शांति रखो, पानी तो मिलेगा मगर थोड़ी देर के लिए त्याग कर दो। धर्मराज बहुत प्यास प्यास कर रहे थे, अंदर से वेदना छटपटा रही थी। उसी समय मां कुंती का वात्सल्य भरा हाथ जब उनके मस्तक पर आया तो उन्होंने कहा कि ठीक है मां, मैं जब तक भीम भैया लौट के नहीं आएंगे जब तक मैं पानी का त्याग करता हूं। कितनी समझदार होती थी मां, कितनी विवेकशील गुणवान और चारित्रवान होती थी मां। मम्मियां नहीं होती, मम्मी होती तो बखुदी रोने लगती हमें सोई प्यास लगी है, कहूं से ले आओ पानी, वो भी कोई खड्डे मड्डे का पानी पी लेती। मगर मां, मां बहुत संस्कारित होती है, मां बहुत विवेकवान होती है। बंधुओं, मां की एक गरिमा बड़ी अलौकिक होती है। इसलिए मैं प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों से कहना चाहता हूं कि ये मम्मी कहना बंद करो और मां कहना शुरू करो। मां में प्यार है, मां में आत्मीयता है। मैंने एक दिन इसके पहले प्रवचन दिया था, मां की एक गरिमा है और मां की कीमत दुनिया की कोई ताकत चुका नहीं सकता। बंधुओं, एक अहंकारी लड़के ने अपनी मां को चुनौती दे दी। वो इतना सताता था अपनी मां को कि मां उससे बहुत दुखी हो गई और वह मां ने कहा, बेटा तू कौन से जन्म का बदला ले रहा है, मुझे क्या मालूम कि अगर तू इस प्रकार की हरकत करता तो मैं तुझे जन्म से ही किसी को दे देती। तो एकदम वो अहंकार में आया और कहता है कि तू 9 महीने का किराया ले ले मां, अगर तुझे ज्यादा अहंकार है कि मैंने 9 महीने तुझे पाल करके पोस करके बड़ा किया है तो बोल तेरे 9 महीने का किराया क्या है। ऐसे भी निकृष्ट इस दुनिया में लोग हैं बंधुओं, हैं। मगर वो तो मां थी, मां कहती है बेटा तू 9 महीने का किराया की बात करता है, तू 1 रात का किराया चुका करके बता दे तो मैं जिंदगी भर तेरी सेवा करूंगी, जिंदगी भर तेरे सारे अत्याचार अनीति दुराचार सब कुछ सहन कर लूंगी अगर तू 1 रात की 1 दिन की तू मेरा कर्ज चुका दे। हाँ हाँ बोल, कितने बजे आना है। बोले बेटा आज रात्रि में 8 बजे आ जाना और 1 रात का तू कर्ज चुका देना तो मैं समझ जाऊंगी कि मेरे बेटे ने मेरी जिंदगी भर में जो मैंने 25 साल 30 साल तेरा लालन पालन पोषा किया है, पोषण किया है, वो मेरा कर्ज चुक गया। क्योंकि वो मां थी, मम्मी होती तो केस कर देती, कोर्ट में खड़ा कर देती। और उस मां ने जब 8 बजे उस लड़के को बुलाया, मां ने, मां और लड़के में अंतर समझाना, मैंने पहले समझा दिया है। लड़के को बुलाया और लड़के ने कहा, बोलो क्या बात है। मां बिस्तर पर लेट गई और थोड़ी देर के बाद कहती है, बेटा 1 गिलास पानी दे दे। अब वो उठा, उसने 1 गिलास पानी मां को दिया। माँ कहती है, बेटा मैं छान करके पानी पीती हूँ, तूने बिना छाना पानी दिया। तू जानता है 1 बूंद पानी में 36,450 जीव है बेटा, और मैं जिनेंद्र के कुल में मेरा जन्म हुआ है, मैं आदिनाथ प्रभु की भक्तन हूँ, 24 तीर्थंकरों की मैं भक्तन हूँ, देव सास गभु के प्रति मेरी अकांत श्रद्धा है बेटा, मगर मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के कारण इसलिए मैं रात्रि में पानी पी रही हूँ। मैंने अपनी जवानी में 5 बजे के बाद कभी पानी की 1 बूंद नहीं ग्रहण की,
मगर अब ऐसी स्थिति आ गई कि मुझे पानी पीना पड़ रहा है बेटा, छान करके दे दे। अब यार क्या छानना है, अब टोन समझना है आपको, यहाँ पर क्या पानी छानना बेटा, बिना छाना पानी तो मैं नहीं पीऊंगी, चाहे मैं मर जाऊं। ठीक है, अब उसने छन्ना उठाया। छन्ना कैसा था, 36 अंगुल लंबा था, 24 अंगुल चौड़ा था, ये एक अंगुल कहलाता है। ऐसे 36, ये 8 अंगुल हो गए, ऐसे 36 अंगुल लंबा और 8 अंगुल चौड़ा, ये 24 अंगुल चौड़ा, ऐसा डबल छन्ना जो सूर्य के प्रकाश को डबल करके देखा जाए तो सूर्य की प्रकाश की किरण ना दिखे, ऐसे छन्ने से छना हुआ पानी 48 मिनट्स यानी 48 मिनट तक पानी छना हुआ शुद्ध माना जाता है, जिसमें योनि स्थान नहीं बनते। और ऐसे पानी की उम्र जो होती है 7000 वर्ष, जो जल का एक जीव होता है उसकी 7000 वर्ष यानी 7000 सालों में वो जीव मरेगा पानी का, इतनी उम्र होती है। अभी मैंने अपनी छैडाला की क्लास में बताया था। तो ऐसे पानी को छानने के लिए प्रत्येक जीवों का कर्तव्य है पानी छानना चाहिए। पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज जब मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रहे थे तो पानी छानने की एक घटना उन्होंने बताई। बालाबेट या तालबेट ऐसी कुछ कहीं की घटना है कि पूज्य में विहार करके चले आ रहे थे, तालबेट के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और एक युवा, देखना आप कैसा पानी छानते हैं और छानने की परंपरा क्या है। अभी मैं घी बनाने की परंपरा भी बताता हूँ, अभी एक प्रश्न घी के भी आया था कि शुद्ध घी कैसे बनाया जाता है, जैन घी कैसे बनाया जाता है। अब थोड़ा सा प्रवचन का टॉपिक चेंज हुआ है, कोई बात नहीं, दमोह में बहुत सारी गलियां हैं और गलियां में से घुस करके कहीं भी मेन रोड अपन पकड़ लेंगे और गलियों में से निकल जाते हैं, मेन रोडों पर मैं निकलता रहता हूं। और वह पानी छानता है वो बच्चा, पानी लेने कुएं पे आता है तो अपने साथ में एक परात लेकर के आता है, एक गुंडी या चरी कहो या मटका कहो वो लेकर के आता है, एक बाल्टी लेकर के आता है, एक छन्ना लेकर के आता है और अपनी रस्सी लेकर के आता है। अब उस परात के ऊपर मटका रखता है या घड़ा रखता है या गुंडी रखता है या चरी रखता है या कसेड़ी रखता है, एक्स वाई जेड जो भी आप समझें, और वह रख करके बाल्टी में रस्सी बांधता है और बहुत आहिस्ता बाल्टी को कुएं में छोड़ता है, बहुत धीरे धीरे, तुम्हारे जैसे नहीं कि बाल्टी लेकर के यो कुआ में फेंक दी और रस्सी धड़ 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 जैसे पतंग उड़ाने वाला पतंग में ढील छोड़ देता है चरखी से तो धड़ 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 करके निकल जाती है, ऐसे नहीं, बहुत आहिस्ता उसने, और जैसे ही पानी की सतह पर बाल्टी पहुंची उसने धीरे से एक झटका दिया, बाल्टी तिरछी हो गई और पानी से भर गई। पानी से भरने के बाद उसने बहुत आहिस्ता पानी की बाल्टी को 1 फुट खींचा जितनी बाल्टी थी, क्योंकि बाल्टी पानी में डूब गई थी। अब पानी को जब ऊपर लाएगा तो उसमें से पानी निथड़ेगा, गिरेगा तो वो जीव मरेंगे, उसकी सावधानी देखना। और उसने पानी की सतह पर लाकर के उस पानी की बाल्टी को रोक दिया। अब जितना पानी ओवरफ्लो था वो सारा का सारा गिर गया। फिर उसने धीरे से बाल्टी को खींचकर बाल्टी पकड़ी और छन्ना लगा करके उसमें थोड़ा सा पानी डाला और पानी डाल करके बाल्टी को रख दिया और फिर छन्ने को ऐसा समेट करके उसी बाल्टी में रख दिया और फिर उस घड़े को छने पानी से धोया।